विठू माऊलीचा गजर म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी शब्द पाळला नाही असं म्हणत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुख्यमंत्र्यांवरती टीका केली आहे. महाराष्ट्राची जनता जागा दाखवून देईल असंही शाह म्हणाले. नारायण राणेंवर पक्षात कधीही अन्याय होऊ देणार नाही असं केंद्रीय अमित शाह यांनी म्हटलंय. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते वैद्यकीय महाविद्यालयाचं उद्घाटन करण्यात आलं. खासदार नारायण राणे यांच्या ड्रीम प्रोजेक्ट असलेलं हे वैद्यकीय महाविद्यालय. या कार्यक्रमात बोलताना अमित शाह यांनी मोदींच्या नेतृत्वात भारतानं कोरोनाशी यशस्वी लढाई लढल्याचं म्हटलंय. तसंच शिवाजी महाराजांचं स्वराज्य पंतप्रधान मोदींनी सुराज्य केल्याचंही अमित शाह म्हणाले. भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के लिए राजनीति में आई है, राजनीति के लिए सिद्धांत नहीं बनाती. और मैं शिवसेना के मित्रों को कहना चाहता हूं कि आपने सिद्धांतों के लिए आप राजनीति में नहीं आई और आए हो बाला साहब चले गए. अब राजनीति के लिए सिद्धांत को तोड़ते मरोड़ते हो, मगर महाराष्ट्र की जनता आपको बहुत अच्छे तरीके से जानती है. और इसीलिए अभी पंचायत का चुनाव हुआ, हमने उसमें भी कुछ चीजा करेगा. भारतीय जनता पार्टी समर्थित पैनल कर चुनाव लड़े और लगभग 75-80% के आसपास भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र की जनता ने मैंडेट दिया है. आप तीनों साथ होने के बावजूद, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता भी आपको जानती है, आपके जीवन में जब कभी भी अन्याय के मौके आए तब उन्होंने निश्चित रूप से भविष्य की सोच करे बगैर अन्याय का सामना किया, उसके खिलाफ संघर्ष किया और इसीलिए इनकी राजनीतिक यात्रा बहुत टेढ़ी मेढ़ी है. मुझे भी कुछ पत्रकारों ने कहा कि आपके यहाँ भी अन्याय होगा तो क्या होगा. मैंने बोला हम अन्याय करेंगे ही नहीं, सम्मान करेंगे. भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि राणे साहब जैसे नेता को किस प्रकार से सम्मानना और किस प्रकार से सम्मान देना. आई भवानीचा गजर म्हणजे भारताकडे वाकड्या नजरेनं पाहणाऱ्यांची आता खैर नाही. कारण शत्रूची घातकी नजर हवेतच नष्ट करण्यासाठी सज्ज आहे भारतीय हवाई दलाचं अभेद्य आणि अजिंक्य सुरक्षा कवच. भारतीय हवाई दलाच्या सामर्थ्याची ओळख करून देणारा आमचा हा खास रिपोर्ट. भारताचं अभेद्य सुरक्षा कवच, राफेलची 3 दमदार क्षेपणास्त्र, मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे